है ना। तो सामान्य तो दृष्टि का दूसरा उदाहरण चल रहा था कि गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, तो जहां जहां गुण होंगे वहां वहां द्रव्य अवश्य होगा, गुण अकेला रहता नहीं। तो जहां इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, ये सारे गुण पाए जाएं, समझ लो वहां पर कोई पदार्थ, कोई द्रव्य है जो इन गुणों को धारण करता है। जहां गर्मी है तो वहां पर अग्नि है, जहां ठंडक है तो वहां पर जल है, क्योंकि ठंडक बिना जल के रह नहीं सकती, गुण है द्रव्य के बिना रहेगा नहीं। तो जहां इच्छा द्वेष आदि गुण पाए जाते हैं वहां पर कोई ना कोई द्रव्य है, ये अनुमान प्रमाण से सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्ध हो। इस तरह से ये दूसरी व्याख्या हो गई, दृष्टांत बदल लिया, बाकी नियम तो वही है। सामान्य नियम के आधार पर जो बात जानी जाए उसका नाम सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो ये अनुमान 100% पक्का है, कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक होता है प्रमाण अनुमान, एक होती है संभावना पॉसिबिलिटी। तो अनुमान और संभावना में अंतर है, इस अंतर को सब लोग नहीं जानते। वो कहीं संभावना के आधार पर अनुमान बोल देते हैं, अनुमान की जगह संभावना बोल देते हैं, गड़बड़ है। इसमें सावधानी का प्रयोग करें। संभावना में 100% गारंटी नहीं होती, संभावना में 100% गारंटी। आप ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो ट्रेन में जाना, आपको रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो ट्रेन आने वाली है, तो आपके अनाउंसमेंट क्या होगी कि फलानी ट्रेन के आने की संभावना है, है? अब वो क्या बड़े सावधानी से बोलते हैं, पहले बोलते थे 10:20 पे फलानी ट्रेन आएगी, अब आती नहीं, पहले अनाउंस कर दिया आएगी, फिर आती आती नहीं, फिर कहते 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, फिर जब आई तो 3 नंबर बदल दिया प्लेटफॉर्म। तो लोगों ने शिकायत की, आप 2 नंबर बोल रहे थे अब 3 पे कर दी, आप कह रहे थे 10:20 पर आएगी, आई नहीं। तो उनको सोचना पड़ा कि बात तो ठीक है, शिकायत तो सही है, हमने कहा था आएगी और आई नहीं। तो अब उन्होंने थोड़ी सावधानी की, अब वो ये बोलते हैं कि फलानी ट्रेन भिवानी एक्सप्रेस रोहतक स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर 10:20 पर आने की संभावना है। सावधान हो गया, आने की संभावना है कितने बजे, क्योंकि अगर नहीं आई तो फिर मारनी पड़ेगी, कम से कम कह देंगे हमने जो है ना ये संभावना है, नहीं आई हम क्या करें। तो उसमें गारंटी नहीं, आने की संभावना है, आ भी सकती है, लेट भी हो सकती है, पर अनुमान में संभावना नहीं होती, उसमें गारंटी होती है। आपके दादाजी की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी, गारंटी है या संभावना, गारंटी है। तो जहां गारंटी है वहां अनुमान है, वो प्रमाण है, और जहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वो संभावना। अब थोड़े से बादल इकट्ठे हो गए, तो किसी ने कह दिया कोई बरसात होगी, उसने कहा नहीं कोई गारंटी नहीं है बरसात होगी, अभी तक कोई लक्षण पूरे बने नहीं है वर्षा के, तो वर्षा की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग वाले क्या बोलते हैं कि आज मौसम ऐसा रहने की संभावना है, वो गारंटी नहीं लेते। तो जहां गारंटी हो वहां अनुमान है, वहां प्रमाण है, और जहां गारंटी नहीं है वो संभावना है। इसलिए सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। भविष्य की घटनाओं में बहुत सारी संभावना रहती है बदलने की, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, कारण बदल जाते हैं, तो रिजल्ट भी बदलेगा। पर भूतकाल तो जो हो गया सो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। दादा की 10वीं पीढ़ी हो गई सो हो गई, उसमें आप कोई फेरफार नहीं कर सकते। पर भविष्य में वर्षा का तो फेरफार हो सकता है, एक तेज हवाई और बादल उड़ा ले भी तो वर्षा नहीं होगी, उसमें तो संभावना है, पर भूतकाल में वो पक्की गारंटी। इसलिए जब भूतकाल की बात करेंगे तो वो तो पूरे जोश के साथ कह सकते हैं, ताकत के साथ कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही था। पर जब भविष्य की बात करें तो जरा सावधान रहें, उसमें थोड़ा सोच समझ के बोलें, ये गलत भी हो सकता है। अगर आपने अनुमान लगा दिया और वो गलत निकला तो वो दोष अनुमान प्रमाण का नहीं होगा, आपका होगा, अनुमान लगाने वाले व्यक्ति का दोष होगा। वो कमी उस व्यक्ति की है, उसको अनुमान ठीक लगाना नहीं आया, उसने संभावना को अनुमान के नाम से बोल दिया, ये गलती करेगी। और जहां गारंटी हो भविष्य की घटना की, वो फिर अनुमान है।
पृथ्वी किस दिशा में चल रही है, किस गति से चल रही है, सूर्य कहाँ चल रहा है, चंद्रमा कहाँ चल रहा है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, वो पक्की गारंटी है, उसमें फेरफार की संभावना नहीं है। इसलिए उसकी तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कहाँ पर दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा या अमेरिका में दिखाई देगा, कितने बजे दिखेगा, कितने बजे से कितने बजे तक दिखेगा, कैसा दिखेगा, उसकी तो आप गारंटी ले सकते हैं। वो सारी चाल ग्रहों की चाल फिक्स है, पर यहाँ वर्षा के बादलों का फिक्स नहीं है। इधर हवाएं भी उधर चले जाएंगे, इधर हवाएं तो उधर उड़ा के। कल उनका चंद्रमा पर कहीं दिखाई नहीं दिया, इनका फर्क पड़ गया। फर्क पड़ गया ना? हाँ, तो क्यों फर्क पड़ गया? उनकी कैलकुलेशन में गलती थी। चांद ने अपनी गति नहीं बदली, चांद वो ठीक चल रहा है अपनी दिशा में, पृथ्वी ठीक चल रही है, उनकी गणना में गलती थी। तो गलती मनुष्यों की थी, प्रमाण की गलती नहीं थी। जो उस लाइन में एक्सपर्ट होते हैं वो ठीक गिनते हैं, ठीक है ना? तो प्रमाण कभी भी गलत नहीं होता। प्रमाता गलत हो सकता है, वो अल्पज्ञ है, उसकी भूल हो सकती है, प्रमाण की गलती नहीं होती, इसीलिए उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का अर्थ है जो कभी गलत ध्यान नहीं कराता, जो ठीक ही ध्यान कराता है, उसी का नाम प्रमाण है। ठीक हो गया? तो संभावना और प्रमाण में अंतर है, ये बात भी मन में रखें। और जब आप भाषा बोलें, व्यवहार करें, तो सावधानी से बोलें। जहाँ प्रमाण, जहाँ संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वहाँ संभावना शब्द का प्रयोग करें, और जहाँ गारंटी हो वहीं अनुमान का प्रयोग करें कि हाँ ये पक्की बात है, 100% ऐसा ही होगा। कल 5 बजकर 27 मिनट पर दिन निकलेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो गिनती कर रखी है उन्होंने, और सुबह निकाल देते हैं अखबार में कि इतने बजे सूर्योदय होगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा, और वो ठीक उतने ही बजे होता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की गति उनको पता है, दिशा भी पता है, स्पीड भी पता है, दिशा भी पता है, इसलिए वो गिनती कर लेते हैं और वो ठीक होती है बिल्कुल। ठीक है, और ये जो भविष्यफल बताते हैं ये घोटाला है, इससे बच के रहना है। शनि का आपके घर में शनि चढ़ गया, आपको मंगल चढ़ गया। अभी कल पेपर में एक शनि वाला था, एक देवता टीवी में आता था, है हाँ, उस पर भी कोई आरोप लगाया। तो एक ने टिप्पणी कर दी, ये शनि महाराज जो दूसरों का शनि उतारता उस पर खुद पे शनि चढ़ गया। दूसरों का शनि उतारता था उस पर खुद पे शनि चढ़ गया। हाँ, तो ये भविष्यफल हस्तरेखा ये सब झूठ है, इसके चक्कर में नहीं आना। ठीक है जी, बोलिए। ये जो कर रहे हैं स्वामी जी, मंगल कर रहे हैं, बुध कर रहे हैं, क्या ये वसु, ये वसु है जी? हाँ वसु है। नक्षत्र की और परिभाषा अलग है। 8 वसु हैं, और वसुओं में 2 तरह के वसु हैं। एक वसु वो हैं जिन पर प्राणी बसते हैं, जिन पर प्राणी बसते हैं, निवास करते हैं, जैसे पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसा वसु है जिन पर मनुष्य आदि प्राणी बसते हैं। दूसरे वसु वो हैं जो प्राणियों को बसाने में सहायक है। तो मंगल बुध आदि जो ग्रह हैं, ये प्राणियों को, पृथ्वी पर प्राणियों को बसाने में सहयोगी है। तो सूर्य भी उसमें से है, वो भी बसाने में सहयोगी है, चंद्रमा भी सहयोगी है। तो इनको सबको 8 वसु के नाम से स्वीकार किया। परंतु ग्रह और नक्षत्र, इनकी परिभाषा अलग अलग है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में एक होते हैं नक्षत्र, दूसरे हैं ग्रह, तीसरे उपग्रह। हाँ दोहराइए, पहले क्या? पहले नक्षत्र, दूसरे ग्रह, और तीसरे उपग्रह। इनकी परिभाषा ऐसी है, जो स्वयं चमकता है, अपना प्रकाश स्वयं फेंकता है, उसका नाम है नक्षत्र, स्टार, तारा, सूर्य। ठीक है, नक्षत्र कहो, तारा कहो, स्टार कहो, सूर्य कहो, एक ही बात, वो है नक्षत्र जो स्वयं चमकता है। जैसे सूर्य, तो हमारा सूर्य स्वयं चमकता है, अपनी लाइट स्वयं फेंकता है, इसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र। अब जो नक्षत्र के चारों ओर चक्कर काटता है,
उसका नाम है ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी को क्या बोलेंगे? ग्रह। तो मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, प्लूटो है, पृथ्वी है, ये सब क्या है? ये ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ये सारे ग्रह कहलाते हैं। अब जो उपग्रह है, वो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाए उसका नाम उपग्रह। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो सूर्य को क्या बोलेंगे? नक्षत्र। पृथ्वी को क्या बोलेंगे? ग्रह। और चंद्रमा को उपग्रह। ये तीन परिभाषाएं हैं, नक्षत्र, ग्रह और उपग्रह। अब ये जो हस्तरेखा वाले, भविष्यकाल वाले है ना, ज्योतिष वाले, झूठे ज्योतिषी, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं नौ ग्रह हैं। अब इनके नौ ग्रह सुनिए कौन कौन से, आपको इनकी अकल पता चल जाएगी कितने अकल होगी। एक तो सूर्य को ग्रह बताते हैं, जो कि नक्षत्र है। एक गलती, सूर्य स्वयं प्रकाश फेंकता है, वो नक्षत्र है, उसको ये ग्रह बता रहे हैं। दूसरा चंद्रमा, वो उपग्रह है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसको ग्रह बता रहे हैं। दो गलती, पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और जिसका प्रभाव हम पर सबसे अधिक पड़ता है। अभी दूसरी मंजिल से आदमी नीचे गिरे अड्डी डूब जाएगी, हम मर भी सकता है, ठीक है ना। दो तीन मंजिल से गिर जाए आदमी जमीन पर, हड्डी टूटेगी, मर भी सकता है। तो जिस पृथ्वी का हम पर प्रभाव पड़ता है उसका नौ ग्रहों में नाम ही गायब, उसका नाम ही नहीं पृथ्वी का। तीन गलती। चौथी और पांचवी, वो है राहु और केतु। राहु केतु नाम का ग्रह दुनिया में कोई है ही नहीं, और सबसे ज्यादा इन्हीं दो से ही डराते हैं, राहु केतु से। वो कहते हैं शनि के चौथे घर में राहु बैठा है, मंगल के पांचवें घर में केतु बैठा है, वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। अब राहु केतु कुछ है ही नहीं, खाम का डरा रहे लोगों को, और डरा डरा के पैसे वसूल करते हैं, तुम्हारे लोग पैसे उतार देंगे, शनि का प्रभाव उतार देंगे, राहु का उतार देंगे, केतु का उतार देंगे, और अंगूठिया पहनाते हैं और क्या क्या चीजें। ग्रह वगैरह सब हैं, पर राहु केतु नाम से नाम, राहु केतु नाम का कोई ग्रह उपग्रह दुनिया में है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। एक मिनट, तो अब देखो राहु केतु दो गलती और पृथ्वी की तीसरी गलती, चंद्रमा की चौथी और सूर्य की पांचवी, नौ में से जो पांच गलती करे वो पास हुआ या फेल, इसलिए हम कह रहे हैं फेल। इनकी बात के चक्कर में मत आना, ये राहु केतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना मंगल शनि बिगाड़ सकते, ये सब लोगों को डरा डरा के, धमका धमका के उनसे पैसे ऐंठते हैं। और क्या करते हैं, देखो जी ये बम्बई से मंगाई आपके लिए शनि ग्रह की अंगूठी 20,000 रुपए की, स्पेशल आपके लिए मंगाई, और वो पड़ोस में से 250 रुपए की खरीद लाएगा, 250 रुपए की अंगूठी खरीद लाएगा और बेवकूफ बनाएगा कि बम्बई से स्पेशल मंगाई है शनि की अंगूठी 50,000-20,000 की, ये अंगूठी लो, ऐसे ही उठते हैं लोगों। हाँ जी बोलिए स्वामी जी, वो इस पे क्लास चली थी ना ज्योतिष पे, बहुत सारे लोग इंद्र जी ने बताया था राहु और केतु जो सूर्य और पृथ्वी का जो चक्कर कटता है ना, जो उनका उनका जो चौक पड़ता है ना मतलब जहाँ से उस जगह को बोलते हैं ना कि कोई ग्रह। ये ठीक बताया, वो तो क्रॉसिंग का नाम है, उस क्रॉसिंग का नाम राहु और केतु, तो वो कोई ग्रह थोड़ी है, ग्रह नहीं, वो तो हवा में एक क्रॉसिंग है, जो दो रूट क्रॉस करते हैं आपस में उसका नाम राहु और दूसरे क्रॉसिंग का नाम केतु है, तो कोई ग्रह थोड़ी है, कुछ सॉलिड थोड़ी है जो हमारा चक्कर मारेगा। हाँ तो चौराहे तो है वो, तो चौराहे तो कोई प्लैनेट नहीं होता ना, ये तो प्लैनेट बता रहे हैं उसको, वो चौराहे बताया वो ठीक है। तो स्वामी जी फिर ये जो मंगल ये वसु कैसे हुए थी? वसु ऐसे हैं कि ये मंगल आदि जो हैं पृथ्वी पर प्राणियों को बसाने में सहयोग करते हैं। हाँ आठ कौन कौन से वसु? हाँ आठ सुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्र और एक आठवां और है सूर्य। हाँ सूर्य भी, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य नक्षत्र हो गया। हाँ सूर्य चंद्र और नक्षत्र, ठीक है, ये ग्रह ये हो गए वसु। इसमें वो देख लो, अगर कोई सहयोग करता हो तो वसु कह देंगे,
नहीं करता तो छोड़ देंगे, ग्रह तो है। हाँ तो वसु नहीं मानता तो छोड़ देंगे, उसको वसु नहीं मानेंगे। अगर हमारे बसाने में सहयोगी है ये, फिर वो खगोल शास्त्री के पास जाओ, वो बताएगा सहयोग करता है नहीं करता। वसु तो हो गया स्वामी जी, तो समझ में आ गया कि वे बसते हैं बसाते हैं। हाँ उनकी गिनती बता दी आठ है। ठीक है, आठ ही वसु हैं जी। हाँ ठीक है, तो आठ में से तो नक्षत्र में तो करोड़ों नक्षत्र हैं, वो सारे के सारे वसु कहलाएंगे। सिर्फ आठ का मतलब एक दो तीन आठ नहीं है। ठीक है जी, नहीं उसको लिखा है मंगल को ग्रह लिखा है, तो वसु लिखा है। उसको पृथ्वी में तो काउंट कर नहीं सकते जी, जल में भी नहीं होगा। ठीक है, वायु में भी नहीं होगा। ठीक है, आकाश में भी नहीं होगा। सूर्य चंद्रमा इसको नक्षत्र में गिनना पड़ेगा। हाँ तो इसका उत्तर है कि यदि देखो जो परिभाषा बताइए ना, यदि उस परिभाषा में आता है कि बसाने में सहयोगी है तो वसु मान लेंगे, और अगर बसाने में सहयोगी नहीं है तो वसु नहीं मानेंगे, ग्रह मान लेंगे। अब थोड़ा बहुत तो सहयोग करता ही होगा, वरना बनाना व्यर्थ है। क्यों बनाया ईश्वर ने अगर सहयोग नहीं करेगा तो? कुछ तो करता ही होगा, बैलेंस करने में कहीं तो सहायता देता ही होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसकी गति को कंट्रोल करने में हो सकता है उसका कुछ ग्रेविटेशन फोर्स का कारण हो वो। फिर इसीलिए कह रहा हूँ खगोल शास्त्री से पूछो जिसका विषय है, वो आपको बताएगा कि मंगल का हमारे साथ क्या लेना देना है, कोई हमारे साथ सहयोग है या नहीं है, या उसको क्यों बनाया गया सौर मंडल में, उसका क्या लाभ हानि है, वो खगोल शास्त्री बताएगा। क्या लिखा उसमें मंगल का नाम है? सूर्य ने तो प्रतिज्ञा बता दिया स्वामी जी, जिस काम के लिए हमारे आयो भाई और किशन पूछ लेगा वो मंगल का है तो संतुष्ट रहेगा। अब एक मिनट में निपटा ना, ना इसका काम खत्म हो नहीं, इस आदमी का हो जाएगा, हो जाएगा, फिर हमारा छोड़ते हैं वृद्धि के पद और एक मिनट के है जिन दो पैर के बाद में एक मिनट शांति रखो, एक मिनट और देंगे ना, आप गुस्सा मत करो, आप सारा माहौल खराब मत कीजिए। डेढ़ घंटे में एक नंबर कर देगा कोई, आप भी तो गलत कर रहे हैं, आप भी तो हमारा माहौल खराब कर रहे हैं, आप कौन सा अच्छा कर रहे हैं। आपको मैंने कह दिया शांति रखो, एक मिनट का समय और दूंगा इसको, निपट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और पूछ लेगा। हाँ जी, वर्ष भूमिका में क्या लिखा है? अच्छा बहुत इतना भी बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो जल नहीं लिखा जी, वहाँ जो लिख दिया। क्या लिख दिया? देव। अच्छा अच्छा, वहाँ जल हटा दिया जी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं कहीं अलग दिशा प्रसंग से कहते थे कभी, और हो सकता है किसी शास्त्र में देव और आदित्य नाम लिखे हो, शर्त ब्राह्मण में, किसी और ब्राह्मण ग्रंथ में ये अलग नाम लिखे हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो देख लेंगे, पूछ लीजिएगा किसी और से। तो हमारी बात चल रही थी प्रमाणों पर, चार प्रमाण थे जिनमें से दो की चर्चा हो गई है जी, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, समय भी समाप्त हो गया। बोलिए, क्या अनंत चीज सूक्ष्म में रह सकती है? सूक्ष्म में रह सकती है, जैसे आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। ठीक है, और इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं अनंत हैं। अच्छा, तो इसका उत्तर है कि इच्छाएं एक व्यक्ति में अनंत नहीं है। आत्मा का गुण है, पर एक आत्मा में अनंत इच्छाएं नहीं रहती, सीमित है। हम ऐसा बोल देते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, करोड़ों आत्माएं हैं, उनकी सबकी इच्छाएं मिलाएं तो बहुत हो जाएंगी, पर एक आत्मा के अंदर तो इच्छाएं लिमिटेड है, वो थोड़ी बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, जितनी पूरी करते जाएंगे और बढ़ती जाएंगी, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी सीमा आ जाएगी, एक सीमा आ जाएगी, एक आत्मा में इच्छाओं की सीमा आ जाएगी, अनंत इच्छाएं एक व्यक्ति में नहीं रहती। तो अलग अलग आदमी भेद हो गए, आत्मा में भेद नहीं है, इच्छाओं में भेद है। इच्छा ना, ना, दो तरह की इच्छाएं, दो प्रकार की इच्छाएं, एक स्वाभाविक इच्छा एक नैमित्तिक इच्छा। स्वाभाविक इच्छा में कोई अंतर नहीं है, नैमित्तिक इच्छा में अंतर है।
स्वाभाविक इच्छा है जो सब में पाई जाती है, वो है सुख की इच्छा। आपके अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा है या नहीं है? किसमें नहीं है ये बताओ, सब में। तो एक जैसी हो गई ना सारी आत्माएं, सबको सुख प्राप्ति की इच्छा है। इस दृष्टि से देखें तो सब आत्माएं एक जैसी होगी। अब जो ये स्वाभाविक इच्छा है, ये सबके अंदर एक जैसी, कुछ नैमित्तिक इच्छाएं हैं वो अलग अलग है, उससे वो व्यक्ति अलग पहचाना जाता है। एक को धन कमाने की इच्छा है, एक को नहीं है, एक को ज्यादा धन कमाने की इच्छा है, एक को कम कमाने की इच्छा है, एक को सम्मान की इच्छा है, एक को नहीं है, एक को चेला बनाने की इच्छा है, एक को नहीं है, एक को लड्डू खाने की इच्छा है, एक को नहीं है, एक को पेठा खाने की इच्छा है, एक को नहीं है। इससे अंतर पता चलता है, जिससे वो व्यक्ति पहचाना जाता है और उससे हम व्यवहार कर लेते हैं। तो इच्छाएं दो तरह की हैं, स्वाभाविक और नैमित्तिक। स्वाभाविक इच्छाएं सबकी एक समान है, नैमित्तिक इच्छाओं में अंतर है। उसी अंतर से हम पहचानते हैं और व्यवहार करते हैं। तो जो नैमित्तिक इच्छाएं हैं वो भी लिमिटेड हैं, उनकी भी सीमा है, और स्वाभाविक की तो है ही, क्योंकि आत्मा छोटी सी चीज है, तो उसके अंदर जो गुण है वो भी सीमित होंगे। तो आत्मा में सीमित इच्छाएं हैं, सीमित गुण है, अनंत नहीं। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।